हिंदी में हमारा सरता सरता ही है लॉजिक और पुन्नु लहल से गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो कल हम चंडीगढ़ विजिट करके आ गए, हम वापस अपने घर आ गए। रात बहुत लेट हो गया था, मैं छत पर हूँ, धूप सेकने आई हूँ। जब मैं छत पर आई तो मुझे बहुत ही प्यारे से स्क्विरल दिखाई दिए, बेचारे खाने में लगे हुए। ये देखो स्क्विरल, हम नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे जाने पे शायद वो भाग जाए, बेचारे खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं अपना, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम दूर से ही उनको दिखाएंगे। ये देखो ये गेहूँ रखे हैं छत पे सूखने के लिए, उसमें चिड़िया घूम रही है, मुझे लगता है सारे गेहूँ चिड़िया खा के चली जाएगी। हम नज़दीक नहीं जाएंगे वरना बेचारे उड़ जाएंगे, उड़ ही गए। मैं छत से उतर के आ गई, मेरी ननंद आई है। मेरी ननंद ननान ननान हिंदी में तो ननान हो गया ना, ननंद होता है हिंदी में। ननान किसमें होता है? ननंद होता है, ननांद क्या होता है? ननांद नहीं ननान ननंद हिंदी में भी ननंद होता है। चलो बोले ननंद कह दो फिर। ये मेरी सबसे बड़ी ननंद। सबसे बड़ी मतलब हाइट की बात से नहीं बोल रहे, उम्र के हिसाब से सिर्फ 40-45 साल की है ना बेचारी, ये डरती हुई हिंदी में बोल भी नहीं रही है ना। उन्हें कितने कितने साल लिया? 37 साल। ऐना हौली क्यों बोल रही है? वैसे ही बहुत दूर से आई है। कितना आई है वैसे? राजगढ़। तो राजगढ़ 30-35 किलोमीटर दूर है। तुझे कैसा लग रहा है, हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं तुझे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, क्या अच्छा क्या लग रहा है उसमें? ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? मैं भाभी और भैया जबरदस्त। एक्चुअली इनकी डील हो रखी है समोसों की, तो आज रहो ना घर पे। नहीं, नहीं, क्यों जाऊंगी? क्यों नहीं, हमने घर में सरता नहीं ना। सरता मेरा सरता नहीं है। अब ये प्लीज ढूंढ के बताओ ये सरता क्या होता है। कोई चक्कर नहीं है, चलता है यहाँ पे, क्योंकि पंजाब में हिंदी इतना वो नहीं है ना, बोल चाल में नहीं आती। हिंदी बस सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हिंदी ज्यादा लोग बोलते नहीं है तो उनको हिंदी में थोड़ी दिक्कत है। हिंदी में हमारा सरता सरता ही है। थोड़े दिन बाद मुझे लगता है मैं भी ऐसे ही बोलने लगूंगी, पै गया सो गया। अगर तू लगातार 3-4 महीने और रुक गई ना यहाँ पे, तुझे हमसे अच्छी पंजाबी बोलने लगा देंगे। बेशक नासिक वाले पे तुझे जाति घर से निकाल दे, ये कौन आ गया। हम लोग अपना बातों में लगे हैं, पर एक शख्स है जो जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी मम्मी। वो है हमारी मम्मी, आपको दिखाते हैं। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? बुनाई कर रही हूँ। इसके अलावा भी एक दुनिया और है मम्मी। मैं साथ बातें भी कर रही हूँ। हैं मम्मी जी, हिंदी देखो हैं कितनी क्लासें की तेने हिंदी दिया? बीटेक मम्मी ने स्पेशली बीटेक हिंदी की थी। टेंथ की है, टेंथ हिंदी में। साथ में हिंदी भी थी ना। क्यों है मम्मी जी, हिंदी तो भाई बहुत ग्रेट है। पंजाबी बोलना कुछ नहीं। हां मम्मी हुन तेरा औखा हो गया लगातार इन्नी हिंदी तो मुके आने तेरी। हिंदी च ट्रांसफर करने वाला एक ऐप डाउनलोड करो मम्मी, आज सारी हिंदी बोल के तेरी हिंदी खत्म ना हो जाए। ऐसे खत्म नहीं होगी। हां खाने के लिए कुछ दिया या नहीं इसने? मुझे पैटी मिली समोसा। ऐसा लग रहा है खुद बनाया लग रहा है। होटल से ले अंदर कोई गल करती ना, बस खुद कुछ नहीं बनाया। चाय तो चाय भी नहीं दी? नहीं यार नहीं दी, बोली नहीं दी। बाकी सब अपनी बातें कर रहे हैं, पूनम का सारा ध्यान खाने में, बोला भी नहीं जा रहा। समोसा खाओ। ओ पतिदेव कुछ तो छोड़ दो। पतिदेव तो खाने में ही मशहूर है, सबने खा लिया, जो ज्यादा खाता है, जो सबसे ज्यादा खाता है वो मेरा पतिदेव है, जो आखिरी में उठेगा। अब हमारे में है जो दो बार लेके खाया है फिर भी कह रहे हैं मेरा पेट नहीं भरा। ये देखो अभी तो इसने पतला होना है इसलिए दो बार खाया। डाइट पर है, सिर्फ इतना ही खा रहा हूँ। अच्छा कितने? 4 समोसे? नहीं नहीं सिर्फ 3 ही खाए। अच्छा और एक पैटी? एक पैटी वो तो अलग है। ये वो है डाइट, वो क्या बोलते हैं, फैट फ्री समोसे हैं ये।
हेल्दी समोसे। इतनी कम खुराक है मेरी, फिर भी समझ में नहीं आ रहा मैं मोटा कैसे हो रहा हूं। है सब ऑर्गेनिक। तो अब हो गई है शाम, मेरी ननन चली गई हमें मिल करके, और उसके बाद में थोड़ी देर आराम किया हमने। मैं जब बाहर आई देखने के लिए तो मेरा पति पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ जी पति देव, ये क्या कर रहे हो आप? यार ये ना पतंग की डोर है। मुझे तो बांध लिया, आप किसको बांधने जा रहे हो? तुझे जोर से बांधना है क्योंकि डंगर बहुत, गाय भैंस खुली घूम रही है ना बाहर। बीवी गुस्सा भी हो सकती है, ठीक है? अरे नहीं नहीं यार, मेरी बीवी गाय भैंस नहीं है एक्चुअली, बाहर पागलों को उठा के लेके जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें बांध के रखूंगा मैं यहाँ पे, ताकि किसी की नजर ना पड़े, कोई तुम्हें उठा के ना ले जाए। बताओ क्या कर रहे हो? अब समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, मेरी तारीफ हो रही है। मैं कुछ नहीं यार, रविंदर को बाहर मिली थी, उसने इकट्ठी करके मुझे दे दी। मैं सोच रहा हूँ भी पतंग का टाइम तो निकल गया, अब मैं क्या करूंगा इसका। कोई ना, अभी तो धूप वो गर्मी स्टार्ट थोड़ी ना हुई है। गर्मी और पतंग का क्या मतलब, हवा तो अभी भी चलती है, आप उड़ा तो सकते ही हो। तो हवा गर्मियों में भी चलती है हवा तो। लेट मी गेस, फिर से लहल से। लॉजिक और पुन्नु लहल से। चलो ठीक है जी, अभी कहाँ जाना है हम लोग? मैं थोड़ा सी जैकेट वगैरह पहन लेता हूँ। हम लोग जा रहे हैं वॉक पे, क्योंकि अभी दो दिन से ये पीछे वाली जो लड़की है ना, ये खाने पे खाना खा रही है, कभी पकौड़े खा रही है, कभी समोसे खा रही है, कभी पैटी खा रही है, बस इसने आलतू फालतू ही खाया है। तो मैं इसको वॉक करवा के लेके आता हूँ, ऐसे उंगली पकड़ के। हाँ देखना, आप वॉक करवाने जा रही हूँ, मैं आधे घंटे से बोल बोल के थक गई कि वॉक के लिए चलो, वॉक के लिए चलो, तब जाके तैयार हो। अभी अभी रेडी नहीं है अभी। मेरा टारगेट है, मैं दो चीजें करवाता हूँ अभी। पहले आधा घंटा ये बोल बोल के थक गई, इसकी मैंने जुबाड़े की एक्सरसाइज करवाई, अब फिर जबाड़ा ये सिखाएगी मुझे। जबड़ा होता है, जबड़ा होता है, जुबाड़ा हिंदी में, हिंदी में जबड़ा, पंजाबी में जुबाड़ा। अच्छा हाँ। पर तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, सीरियसली पंजाबी वाले कमेंट करके बताओ सही बोल रहा हूँ या नहीं। यही फायदा होता है जब मुझे पंजाबी नहीं आती, फिर ये कुछ भी बोल के निकल लेते हैं। नहीं निकलना कहा, मैं यहीं पे हूँ, सच और झूठ का नितारा यहीं पे होगा। हमारी वीडियो बताइए हमें, क्या आपको भी हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी, और कुछ? प्यार बांटते रहे, मास्क पहन के बाहर जाए। बिल्कुल, प्यार बांटते रहिए, और ये आपके लिए भी है। खुश रहे, पहन के बाहर जाए, मास्क पहन के बाहर जाए, और कोविड या बीवी से बच के रहें। चलो जी, अपना ख्याल रखें और खुश रहें, तब तक के लिए बीवी से बचने का कोई रास्ता नहीं है। बीवी से मैं तो खुद बोल रहा हूँ, बीवी से बच के रहें बस। रास्ता नहीं है तो खोद लो, कुछ ना कुछ ढूंढ लो, बस बचो जितना हो सके, बचो जी। चलो जी, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, रब रखा।